फूड्स एंड फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें मेरे लेटेस्ट वीडियो रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए। केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने महीन वाली सूजी का यूज़ किया है। अगर आपके पास सादा सूजी है तो आप इसको मिक्सी में हल्का सा पीस लें और उसको महीन कर लें। तो ये है एक कप सूजी, आधा कप पीसी हुई शक्कर, आप सादा वाला शक्कर यूज़ मत करें, पिसा हुआ शक्कर ही यूज़ करें, एक चौथाई कप दही, दो टेबलस्पून अनस्वीटेंड कोको पाउडर, चार टेबलस्पून और एक टीस्पून तेल, तीन चौथाई कप दूध, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, थोड़ा सा वनीला एसेंस या फिर आप चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो, और हमें चाहिए होगा ग्रीसिंग के लिए हल्का सा तेल। और आज केक बनाने के लिए मैं ये स्टील का भगोना यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें हम सबसे पहले इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे। तो यहाँ पर ग्रीसिंग केक बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपका बर्तन अच्छे से ग्रीस नहीं होगा तो केक निकलते समय, केक बनने के बाद अच्छे से बाहर नहीं आएगा। और ये देखिए हमारा पैन अब अच्छे से ग्रीस हो गया है। हम इसमें ये बेकिंग पेपर लगा देंगे जिससे कि केक को डीमोल्ड करने में काफ़ी आसानी होगी। और आइए अब हम केक के लिए बैटर बनाएंगे। केक बनाने के लिए हम एक बड़ा बाउल लेंगे, मिक्सिंग बाउल। इसमें हम डालेंगे ये सूजी, इसमें डाल देंगे चॉकलेट पाउडर और इसमें डाल देंगे ये पिसा हुआ शक्कर। और अब हम इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये दही। तो ध्यान रहे आप जो भी सामान डालें उसको पूरा डालें, बर्तन में ना लगा रहने दें। तेल और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा एसेंस। और अब हम इसमें करीब आधा दूध डाल देंगे, आधा हम बाद में डालेंगे। और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने जो भी सामान यूज़ किया है वो सब रूम टेम्परेचर पे है। आप इसमें ठंडा दूध या फिर ठंडा दही ना डालें, नहीं तो ये केक उतना अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है। और अब हम इस बैटर को करीब 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाएगी। जितनी देर में सूजी फूलेगी हम उतनी देर में अपना कुकर तैयार करेंगे जिसमें कि हमें आज केक बनाना है। तो फ्रेंड्स जब तक सूजी जो है फूल रही है, मैंने ये बड़ा वाला प्रेशर कुकर लिया है, इस पर मैंने नमक की एक लेयर डाल दी है यहाँ पर। और ये मेरा यूज़ नमक था इसलिए आपको थोड़ा डार्क दिख रहा है, तो आप इस नमक को बार बार यूज़ कर सकते हैं, इसको फेंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। तो आप कभी भी जब केक बनाए तो डायरेक्ट कुकर में ना रखें, उसमें या तो सैंड की लेयर या फिर सॉल्ट की लेयर लगाएं, उसके ऊपर स्टैंड लगाकर ही बर्तन को रखें। तो हम इसको गर्म होने के लिए थोड़ी देर के लिए 7 से 8 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं और आइए अब हम बैटर में बाकी चीज़ें मिलाते हैं। तो ये देखिए बैटर हमारा काफ़ी थिक हो गया है और सूजी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसमें ये बचा हुआ दूध डाल देंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 चुटकी के करीब नमक, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, और इनको भी बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा बैटर अब बनकर तैयार है। और अब हम अपना एक ग्रीस्ड बाउल लेंगे और इसमें ये बैटर पोर कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये बैटर काफ़ी पोरिंग कंसिस्टेंसी का है, ये बिल्कुल थिक नहीं हुआ है। और आइए अब हम इसको कुकर में रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने कुकर में नमक को अच्छे से गर्म कर लिया है और अब हम ध्यान से इस केक के बर्तन को इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बर्तन बहुत गर्म है, आपका हाथ जल सकता है। तो ये देखिए हमने इसको रख दिया है और अब हम इसको कवर कर देंगे और अब हम इसको पकाएंगे। तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पर करीब 40 मिनट तक पकाऊंगी और इसके बाद हम इसको खोलकर चेक कर लेंगे। तो अब केक को बनते हुए ऑलमोस्ट 40 मिनट हो चुके हैं, आइए हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए हम इसमें स्टिक डालेंगे और अगर तो ये क्लीन आ जाती है इसका मतलब हमारा केक बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए एकदम क्लीन है। तो हम इस टाइम गैस को ऑफ कर देंगे और केक का बर्तन बाहर निकाल लेंगे और इसको डीमोल्ड करने के पहले बिल्कुल ठंडा होने देंगे। अगर आप इसको गर्म निकालेंगे तो ये केक पूरा टूट जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है, हम इसको साइड से थोड़ा सा चाकू से निकाल लेंगे इस तरह से।
और मम्मी प्लेट लेंगे और इस पर केक को पलट लेंगे। ये देखिए कितने आराम से ये बाहर आ चुका है। इसके ऊपर हम फिर से एक प्लेट रखेंगे और इसको वापस से इस तरह से पलट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक बनकर बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कि ये एकदम स्पॉन्जी बना है और एकदम देखने में बढ़िया दिख रहा है। ये मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। ये तो ये मैंने आज इसको स्टील के बर्तन में बनाया है। तो आप चाहे तो इसको एल्युमिनियम के टिन में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको बेक भी कर सकते हैं। तो आप इस केक को ज़रूर ट्राई करिएगा एंड आई होप ये आपको बहुत पसंद आए।